पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर पाकिस्तान से भी शिकायत मिल रही है। विजिलेंस ब्यूरो को एक शिकायत पाकिस्तान के इस्लामाबाद से मिली है। यह शिकायत एक आउटसोर्स मुलाजिम की है, या फिर ये समझ लीजिए कि संविदा में जो मुलाजिम होता है। शिकायत में आउटसोर्स कर्मी इस्लामाबाद के डीसी पर वेतन का बकाया भुगतान न करने की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि जो नंबर है उस पर कोई भी भ्रष्टाचार संबंधी अपनी शिकायत और वीडियो को डाल सकता है। इस्लामाबाद में आउटसोर्स मुलाजिम ने गलती से पंजाब पुलिस के इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत डाल दी। हेल्पलाइन नंबर पर इसके अलावा और भी कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। पंजाब सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर आजकल चलाया जा रहा है कि जिस पर कहा गया है कि कोई भी अगर रिश्वत मांगता है, भ्रष्टाचार करता है, इस तरह की कोई भी जानकारी मिलती है तो एक नंबर पर आप उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। अब हिंदुस्तान के पंजाब में पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जो विजिलेंस का नंबर था उस पर शिकायत आई है। देख रहे हैं आप, और आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान के हालातों के बारे में कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं अब इंडिया में आकर अपनी दरखास्त लेकर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं पंजाब के सीएम से कि उनकी दरखास्त सुनी जाए। मामला ये है, दरअसल इस्लामाबाद के रहने वाले एक शख्स ने विजिलेंस ब्यूरो में जो एक सीएम शिकायत का जो विंडो खोली गई है जिसमें सीएम ने ये बात कही थी कि जिसको भी कोई दिक्कत है वो अपनी शिकायत वहां पे दर्ज करा सकता है, तो वहां पे वो शिकायत दर्ज कराई गई है और वो इस्लामाबाद का रहने वाला शख्स था। उसने साफ तौर पे कहा है कि मेरा ये मसला हल किया जाए, वहां का डीसी उनकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसने गुहार जो है पंजाब से लगाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि गुहार जो है वो भारत में रहने वाले पंजाब के सीएम से लगाएगी। और ये जो मामला है वो विजिलेंस ब्यूरो में आया था, वहां पर यह शिकायत दर्ज की गई थी। बकायदा उसने उर्दू में लिख के ये पूरा उसने शिकायत की थी और उसने पूरा उसने मामला भी लिखा था कि वो अपने बकाए की मांग कर रहे हैं और उसकी मदद की जाए, और उसकी शिकायत उसने पंजाब के सीएम से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का लोगों के इन्ना विश्वास हैगा उन्होंने लोगों भी जो पाकिस्तान च बैठे। मैं कहना कल हो सकता कि होर भी बहरले देशों चो आन, मतलब एडा उन्होंने ईमानदारी का उन्होंने जो चेहरा है पाकिस्तान तक भी पहुँचा और उत्थे दे शहर नागरिकों भी यह यकीन है कि डीसी चाहे इस्लामाबाद आया लेकिन वो तो को भगवंत मान जी इंसाफ दिखा सकते। मैं तो कह सकता एक साढ़े सीएम साहब का वर्किंग का जोड़ा तरीका है ईमानदारी काम कर लोग उत्थे भी विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारिया चीज़ें जी असं नवी इंट्रोड्यूस की अच्छ सारिया हिंदुस्तान दारिया स्टेटा उधर वाल देख रही हैं उन्होंने लागू करने की कोशिश कर रही उस मॉडल न और इदा ही जोड़ा है विदेशों के मान साहब का आप देख रहे हैं भी इन्ना क्रेज़ है बतौर जो चीफ मिनिस्टर बने हैं लोगों को बहुत बड़ा बदलाव जोड़ा है। मैं कह सकता भी लोग ये विश्वास करके अपने मुँह ने गल कह रहे हैं भी मान साहब ने आने वाले बच्चों का पंजाब का 100 साल का फ्यूचर सेव करके जाना।